नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। कल सावन का तीसरा सोमवार था। इस मौके पर हम आपको भोलेनाथ के एकमात्र ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ शिव जी के सामने नंदी नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ नंदी की वजह से भोलेनाथ को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, जिसके बाद शिवजी ने उन्हें अपना गुरु माना और उन्हें अपने सामने न बैठने को कहा। नासिक शहर के प्रसिद्ध पंचवटी इलाके में गोदावरी तट के पास कपालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिवजी ने यहाँ निवास किया था। यहाँ सिर्फ भगवान शंकर की प्रतिमा है। यहाँ नंदी के न होने की कहानी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि एक दिन भर इंद्रसभा में ब्रह्मदेव और भोलेनाथ में विवाद उत्पन्न हो गया। उस वक्त ब्रह्मदेव के पांच मुख थे, चार मुख वेदोच्चारण करते थे और पांचवा निंदा करता था। भगवान शिव को देख पांचवा मुख उनकी निंदा करने लगा। इससे नाराज शिवजी ने उस मुख को ही काट डाला। इसके बाद शिवजी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक गाय और उसका बछड़ा एक ब्राह्मण के घर के सामने नजर आया। वह ब्राह्मण बछड़े के नाक में रस्सी डालने वाला था। वह जैसे ही रस्सी डालने पहुंचा, बछड़े ने उसे सिंह मार दी और वह मर गया। इसके बाद बछड़े पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उसका शरीर काला पड़ गया। इससे मुक्ति पाने के लिए अपनी माँ के कहने पर बछड़ा नासिक के पास स्थित रामकुंड में नहाने पहुंचा और नहाते ही उसका पाप मिट गया। यह पूरी घटना शिवजी भी देख रहे थे। वे भी बछड़े की राह पर नासिक आए और रामकुंड में स्नान किया। इससे भोलेनाथ को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसके बाद भोलेनाथ ने बछड़ा नंदी को अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। तब से यहाँ भोलेनाथ के सामने नंदी की प्रतिमा नहीं है। कपालेश्वर महादेव मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। प्राचीन काल में इसकी टेकरी पर शिवजी की पिंडी थी, लेकिन अब यहाँ एक विशाल मंदिर है। पेशवाओं के काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही सामने गोदावरी नदी बहती नजर आती है। इसी में प्रसिद्ध रामकुंड है। पुराणों के मुताबिक भगवान राम ने इसी कुंड में अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। इसके अलावा इस परिसर में काफी मंदिर है। कपालेश्वर मंदिर के ठीक सामने गोदावरी नदी के पार प्राचीन सुंदर नारायण मंदिर है। यहाँ साल में एक बार हरिहर महोत्सव होता है। उस वक्त कपालेश्वर और सुंदर नारायण दोनों भगवानों के मुखौटे गोदावरी नदी पर लाए जाते हैं, जहाँ उन्हें एक दूसरे से मिलाया जाता है और उनका अभिषेक होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि को कपालेश्वर मंदिर में बड़ा उत्सव होता है। सावन के सोमवार को यहाँ काफी भीड़ रहती है। रेल मार्ग, मुंबई से नासिक आने के लिए काफी ट्रेन है। हवाई मार्ग से आने के लिए मुंबई, पुणे और औरंगाबाद हवाई अड्डे सबसे नजदीक है। सड़क मार्ग, मुंबई से 160 और पुणे से नासिक 210 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से नासिक आने के लिए बस आसानी से मिल जाती हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।